की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। गया अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जीनी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के ईएमआई पर शहर वासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, आरओ, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जीनी सेल्स, पुरानी किला मोड़ के पास। सिवान के चर्चित अशोक दुबे हत्याकांड में उनकी पत्नी प्रीति देवी के द्वारा थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस हत्याकांड में गुठनी और मैरवा थाना क्षेत्र के 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। मृतक अशोक दुबे की पत्नी प्रीति देवी ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। दर्ज प्राथमिकी में लिखा गया है कि 25 जून की रात्रि 7 बजे गुठनी के खरखड़िया गांव निवासी उमेश तिवारी उर्फ बैज बाबा मेरे पति को फोन कर लंगरपुरा गांव शंकर तिवारी के घर पर पंचायती करने के लिए बुलाए, किंतु वहां जाने पर पता चला कि शंकर तिवारी किसी कार्य से चले गए हैं, जिसके बाद मेरे पति अशोक दुबे व उमेश तिवारी दोनों वापस घर आ रहे थे। तभी टेकनिया कुटी के समीप पहले से घात लगाए मैरवा के लंगरपुरा गांव निवासी विजय पांडे, अभय पांडे, जय पांडे, निर्मल पांडे उर्फ छोटे पांडे एवं गुठनी के चिलमरवा गांव निवासी अरविंद तिवारी ने मेरे पति पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में मेरे पति अशोक दुबे जमीन पर गिर गए, जिसके बाद विजय पांडे एवं अभय पांडे ने मेरे पति पर पिस्टल से ताबड़तोड़ गोली मार दी। तभी अरविंद तिवारी एवं छोटे पांडे ने मेरे पति पर दूसरे पिस्टल से गोली मार दिया, जिससे मेरे पति घटनास्थल पर गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली की आवाज सुनकर स्थानीय ग्रामीण घटनास्थल पर आए और इलाज के लिए उन्हें सिवान सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के एक सप्ताह भी नामजदों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वे सभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिसको लेकर पीड़ित परिवार डरा सहमा है और नामजद अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कर रहा है। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि इस केस को उठाने की धमकी दी जा रही है, नहीं उठाने पर उसके परिवार के साथ अनहोनी घटना होने की बातें कही जा रही है, जिसको लेकर पूरा परिवार डरा सहमा है और जिला प्रशासन से ये न्याय की गुहार लगा रहा है। ये घटना तो इनके जो एक दोस्त हैं बस तिवारी, उमेश तिवारी आए थे सुबह, इनको लेके गए, पूरा दिन घुमा दिए, घुमा के फिर शाम के टाइम आके फिर लेके गए बुलेट पे बैठा कर, और वहाँ बोले कि चलिए आपको बुलाया जा रहा है, कोई तो पंचायती था, तो चलिए आप बस 2 मिनट बात करके आ जाइएगा। लेकिन ये लेके गए वहाँ पर, पंचायती नहीं हुआ, और ले जाके उनको ये विजय पांडे, अभय पांडे, छोटे पांडे और उनका एक और बेटा है अभय जय पांडे और अरविंद है एक चिलमरवा का, वो है ये 5-6-7 लोग मिल के, और ये बस तिवारी भी थे, ये भी थे, यहीं फर्स्ट में थे, सब लोग मिल के उनको गोलियों से भून दिया और उनकी हत्या कर दी। कब का घटना है? शनिवार की शाम की है, 25 तारीख। FIR आप लोगों ने किया है? जी किया है। पुलिस की तरफ से कोई एक्शन? कोई एक्शन नहीं मिला, कोई हम लोग के ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन है कि दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग अपना वो कर लीजिए, केस फाइल मत करिए, इसे मत करिए, बच्चों को उठाने का ये करने का धमकी दिया जा रहा है। जो लोग मारे हैं उन लोगों को? जी जी जी, हम लोग को ना कोई सुरक्षा मिला है और ना कोई प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है। हम लोग, हम तो एसपी साहब के पास भी फोन किए थे, लेकिन एसपी साहब भी फोन हमारा नहीं उठा। हमको न्याय दिलाने के लिए हम बार बार सबके पास दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन कोई हमारा व्यवहार नहीं सुन रहा है। किस तरह के लोग हैं वो लोग? दबंग लोग हैं या? जी वो दबंगी लोग हैं। थाना वाना मैनेज किया है लोग? जी वो पैसा दे दे के सबको दबा दिए हैं, हमारा केस दबा दिए हैं, सबको पैसा दे रहे हैं, थाना पर एसपी डीएसपी सीडीएम सबके पास अपना अपना पैसा फेंक रहे हैं और हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम तो असहाय है, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन हमारा केस कोई सुनिए नहीं रहा है। अब हम किसके पास जाएंगे? इसका मतलब हमको ऊपर जाना पड़ेगा, कोई सुन नहीं रहा है हमारा। इतना दिन हो गया तो एक्शन नहीं ले रहा है? एक सप्ताह हो गया, एक सप्ताह। क्या होगा अब अगला कदम? अगर कोई प्रशासन कुछ काम नहीं करेगी तो अगला कदम तो अब
जो कुछ सोच के ही उठाएंगे ना, अभी तो हम कुछ कर नहीं रहे, अभी तो अपने काम में लगे हुए हैं। अभी हम लोग उस लायक नहीं है कि अगला कदम कुछ उठाएं। अभी हम लोग प्रशासन से ही गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग को न्याय दिलाए। बड़े अधिकारी से क्या मांग करेंगे? बड़े अधिकारी से न्याय दिलाए हम लोग, और क्या चाहिए? हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमको न्याय दिलाए। कितने बच्चे? कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए, लोग गिरफ्तारी करवाए। जितना कड़ी सजा हो, जितना उतना कड़ी सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए। प्रशासन से हमारा यही गुहार है, जल्द से जल्द गिरफ्तारी की। एक सप्ताह हो गया मेरे पति को मरे हुए, लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई प्रशासन नहीं कर रहा है, न गुटनी थाना, न मैरवा थाना, न कोई कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। बोले थे लोग कि 72 घंटे के अंदर हम अरेस्ट कर लेंगे सबको, सबको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। गया तो मेरा है ना, उन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारा चला गया। कितने बच्चे हैं? पहले तो 2 ही बच्चे हैं। पति का नाम? अशोक दुबे। अपना नाम बता दीजिए। अशोक दुबे की पत्नी प्रीति। घर कहाँ पड़ेगा? पीपर पाती। क्या कहेंगे, दिन दहाड़े शाम के वक्त हत्या हो गई है, क्या कुछ कहेंगे? हम क्या कुछ कहेंगे कि हमारे भाई को हत्या हो गया, शाम को बुलाकर, और हत्या कराने में ये लोग वैद्य तिवारी लगाए, विजय पाड़े उनके दोनों लड़के छोटे पाड़े, अरविंद तिवारी, सारे लोग जो है कि बुलवा कर साजिश के तहत हमारे भाई को मार दिए जो है कि टेकनियाँ ले जाकर। तो हम तो यही सरकार से गुजारिश करेंगे, DMSP साहब से यही गुजारिश करेंगे कि अपराधियों को पकड़ कर कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए उन लोगों को। हाँ, पहले से कोई आपसे दुश्मनी थी क्या उनसे? पहले से कोई उतना दुश्मनी नहीं थी कि जितना हत्या हो जाए, उतना दुश्मनी किसी से नहीं थी कि जितना इनका हत्या हो जाए। पहले से किचन मिचिर हुआ था जमीन का थोड़ा विवाद को लेकर, तो मेरे भाई साहब के ऊपर 1.5 साल पहले गोली चला हुआ था। तो इसकी सूचना प्रशासन को दी सर? हम उसका सूचना हमारे भाई साहब जनता दरबार में गए थे, जनरल DM साहब के पास गए थे, FP साहब के पास गए थे, थाना प्रभारी के पास गए थे, चारों तरफ एप्लीकेशन दिए, उसमें विजय पाड़े गिरफ्तार भी हुए थे, उसके बाद भी बेल पर छूट के आए थे। ये बुलाकर वैद्य तिवारी घर से ले गए कि 5-10 मिनट में कुछ आपस में हम लोग बातचीत करेंगे, चलिए वहां पर ये लोग खड़े थे, क्या इन लोग की तुति मुति हुई, क्या बात हुआ? ये लोग पिस्टल निकाल कर सारे आदमी हमारे भाई को गोली मार दिए। कितनी गोली लगी थी? 7 से 8 गोली लगी थी हमारे भाई साहब को। अपना नाम बताइए। प्रदीप कुमार दुबे हमारा नाम पड़ेगा, उनके बड़े भाई। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।